लेजर क्या चीज़ है। अब आए लेजर। लेजर भी जो थे दो किस्म के आए। अब लेजर दो नहीं, बहुत किस्म के हैं। एनडी आग है, आर्गन लेजर है, कार्बन लेजर है, डायोड लेजर है। लेजर तो बहुत है, पर हेयर रिमूवल में एनडी आग और डायोड लेजर का इस्तेमाल होता है। एनडी आग वो लेजर है जो कि पहले यूज होता था और अभी भी यूज होता है। एनडी आग लेजर जो है वो आपके बाल रिमूव करेगा और अच्छे से करेगा, सक्सेसफुली करेगा, पर उसमें दर्द होता है। जब उसकी लेजर की बीम शूट करते हैं तो जहाँ जहाँ पे वो बीम शूट होती है वहाँ पे एक प्रिक होती है, और खासकर जो प्रिक होती है वो प्राइवेट पार्ट्स में, कोमल जगह पे, और जहाँ हड्डी होती है, जैसे कि आपकी टांग है, काफ है, उस पे शीन है, वो हड्डी है, या कोनी है, या बाजू है, यहाँ पर, या जॉ लाइन है, जहाँ हड्डी है वहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है और एक डीप सीटेड बोन में दर्द भी रह जाता है। तो उस बोन के दर्द को कम करने का तो कोई तरीका नहीं है, पर अगर कोई डेलिकेट पार्ट है जहाँ दर्द हो सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट के आसपास या प्राइवेट पार्ट्स में, तो वहाँ पे जो लोग बाल रिमूव कराना चाहते हैं लोग वहाँ पे एनेस्थीजिया की क्रीम लगा देते हैं, फिर भी दर्द पूर्णतः नहीं जाती। आइस पैक भी लगाते हैं, कूलिंग भी करते हैं, पर उसका मेथड ही है, बहुत सक्सेसफुल ये लेज़र है। पर उसके बाद इजाद हुआ कि क्या हम कोई ऐसा लेज़र ला सकते हैं जो कि हीट के बेसिस पे काम करे, जिसमें प्रिक यानी दर्द महसूस ना हो पर सिर्फ गर्माहट से हो। अब उस वो काम करता है स्वीपिंग मूवमेंट्स के साथ और गर्माहट के साथ। अब अगर उसकी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको जल सकता है वो एरिया और ब्लिस्टर हो सकता है। ब्लिस्टर तो पेन वाले से भी हो सकते थे, पर इसमें ज़्यादा लाइकली है। इसमें कोल्ड पैक वगैरह देना, यानी कि आप तो गर्मी से ही मार रहे हो बाल को, अब आप उस पर कोल्ड पैक दे रहे हो, तो वो जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। पर इसमें दर्द नहीं होता। पेन फ्री वाला कराने के बाद भी लेजर के कई बार ना वहां पर बाल तो रह जाते हैं। अब एक पूरा भात है, एक बाल यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, एक, अब ये तीन बाल हैं या ऐसे 50 बाल हैं। तो ये जो बाल हैं इनके ऊपर क्या पूरा पूरा फेरेंगे हम पेन फ्री वाला? आमतौर पे नहीं। तो पेन फ्री वाला या तो पल्स केवल उस जगह लगाया जाए, और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव, खासकर जब इक्के दुक्के बाल चेहरे पर होते हैं तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पर लाइट मारें जो जगह नहीं है। एक बाल, दो बाल हैं, हमें आसपास के बालों को लाइट नहीं मारनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पेनफुल वाला इस्तेमाल करेंगे उसी जगह पर लाइट मारने के लिए जहाँ पर बाल है। अब इतना छोटा बाल है उसके साथ ज़रूरी तो नहीं है ना कि आसपास के बाल ना इफेक्ट हो। अब अगर हम बार बार ऐसे कर रहे हैं, चाहे पेनफुल चाहे पेन फ्री, और वो नहीं जा रहा बाल, तो हम उसका साइड इफेक्ट भी कर रहे हैं। साइड इफेक्ट ये कि सब, जैसे कि आपका चेहरा है और चेहरे पर महीन बाल है, आपको नहीं चाहिए, अब आपकी ज़िद्द है, आपको डॉक्टर समझा रहा है कि लेज़र मत कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस मत कराओ इस पर, क्योंकि आपको नुकसान होगा। आप पूछेंगे क्या नुकसान होगा? जी असर नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, मेरा पैसा लग रहा है, मुझे करवाना है, फिर भी आपको वो मना कर रहा है। वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो आपको कह रहा है कि जहाँ बहुत महीन बाल होते हैं, कई बार हम जब वहाँ पर करंट देते हैं तो उल्टा वो बाल महीन और छोटे होने की बजाय महीन और लंबे लंबे बनने लगते हैं। कई बार तो वहाँ पे थोड़े से मोटे बाल भी आ जाते हैं। तो फिर फायदा है कि नुकसान है, ये डॉक्टर पे छोड़ें। अपने शरीर को पहचानें, अपने शरीर से प्यार करें, उतनी चीज़ कराएं जितनी वाकई में साइंस ने उसको सक्सेस पाया। अब देखिए ना, बाल जितना काला होगा, जितना मोटा होगा, है ना, उतना ज़्यादा असर लेज़र करेगा बाल रिमूव करने में। जितना पतला होगा, जितना छोटा होगा, जितना महीन होगा, उतना कम करेगा। तो अगर गोरी चमड़ी पे काले बाल हैं तो असर जल्दी होगा, काली चमड़ी पे काले बाल हैं असर लेट होगा। गोरी चमड़ी पे काले बाल हैं और खासे मोटे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी असर होगा। काली चमड़ी पे महीन बाल हैं, चाहे वो हल्के काले हैं, तो असर बहुत कम होगा। तो हर चीज़ का नफ़ा नुकसान है। लेज़र में भी एडजस्टमेंट्स हैं और अलग अलग किस्म के लेज़र हैं जो कि गोरी चमड़ी पे ज़्यादा अच्छा करेंगे। आपके मेरे गोरेपन की बात, हमारे व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं केवल, मैं तो बिल्कुल वेस्टर्न
स्किन पे बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल दूध जैसे गोरे होते हैं और फिर उन पे ग्रे हेयर, मतलब उन पे ब्लैक हेयर आते हैं। और ज़्यादा लेज़र करने से कई बार जो बाल नहीं मर रहे होते, वो बाल मरते तो नहीं हैं, उनके आसपास बाल ग्रो उल्टा कर जाते हैं, और जिस बाल को हम मारने की कोशिश कर रहे थे वो मरने की बजाय सफ़ेद रंग का बाल बन के निकल आता। ल्यूको ट्राई किया, उल्टा। तो कभी कभी आप देखेंगे, मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करा, यहाँ पे तो सफ़ेद बाल आ गए, मेरे हाथ पे सफ़ेद बाल इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में कैसे आ गए। आप सबके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अनेक अनेक लोगों के साथ आप इसे शेयर करें। आप सबकी लाइक्स अप्रिसिएशन की इच्छा हमेशा ही रहती है। यदि आप में से कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे पूछना चाहते हैं, मैंने सबको बताया कि आप लोग मेरे साथ टेलीमेडिसिन द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। 9999-3600-09 आप कनेक्ट करिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ डालिए, प्रॉब्लम बताइए, मेरे क्लिनिक से आपको संपर्क किया जाएगा और आपको ज़रूर ही दुरुस्त इलाज मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पे व्हाट्सएप कॉल भी करी जाएगी, आप अपनी तस्वीरें भेज सकती हैं, डॉक्टरी पेपर्स भेज सकते हैं, जो इलाज चल रहा है वो भेज सकती हैं, दवाइयों की तस्वीरें भेज सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शब खैर।